hello everyone my name is Jasis Kumarja, and uh, i am your english tutor i am going to teach you today the poem an elementary school classroom in a slum right this poem is, uh, this poem is in the flamingo book this poem is written by stephen spender this is one of the famous poems written by him so let's start I'll explain you one by one. First, let us know something about Stephen Spender, who he was, and uh, you know what are his achievements. Right? We will something know about him first. So let's start. You can see here Stephen Spender. You know he was born in the year 1929 and died in the year 1959. So he does not have a, a big uh, life span, but his works were really great. So let's study a little bit about him. So look at this. You know, he was an English poet and essayist. He was not only a poet; he was also an essayist. Essayist is someone who write essay, right? So and uh, and you know, he briefly taught in um, uh, in a school in Devon. Also, he was professor at the University College London and professor emeritus. Then uh, focus on social injustice and class struggle. So his work.

सोशल इनजस्टिस क्या होता है जब हम समाज में डिस्पैरिटी देखते हैं ठीक है जब हमारे कम्युनिटी में बहुत ही भेदभाव होता है इकोनॉमिक लेवल पे कास्ट लेवल पे तो उसको हम लोग सोशल इनजस्टिस कहते हैं और तभी क्लास स्ट्रगल पैदा होता है ठीक है तो ये सारा चीज जो है ये इनके बारे में ये लिखते थे स्टीफन स्पेंडर इनका पिक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है यू कैन सी दिस राइट एंड देन Uh, we will actually come to know about uh, more you, you know i will tell you more about it that what this poem vividly explains what clearly this poem explains what has been what has been portrayed in this poem that i will tell you right so look at this what can you see in this picture first of all my question is that what can you see in this picture you can see this picture is according to the poem right आई हैव गिवेनो आई है विजुअल इमेज इज इन दिस पोएम ऑल दीज थिंग आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स सो यू कैन सी दैट सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग फ्लोर राइट कुछ बच्चे यहाँ फ्लोर पे बैठे हुए हैं आप सामने में देख रहे हो कि ये जो है ना ये एक पिक्चर है ठीक है इसमें शेक्सपियर है राइट right. शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है एवरीबडी नोज अबाउट शेक्सपियर ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट ठीक है फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक पिक्चर है वर्ल्ड मैप है ये ठीक है और उसके बाद आप वॉल्स देख रहे हो दीज वॉल्स आर जो कि आपको अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं लग रहा है ठीक है सेवी वॉल्स आप देख रहे हो कि सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ये बच्चों का मन जो है ये पढ़ाई में नहीं लग रहा है दे आर लुकिंग आउटसाइड ऑफ दिस विंडो यू कैन सी द विंडो इज ऑल्सो इल बिल्ट ये जो विंडो है ये भी इल बिल्ट है यहाँ एक पेड़ है इसमें एक स्क्वरल है ठीक है एक गिलहरी है तो आप क्या देख रहे हो कि ये सारा चीज जो है हमारे ये जो जैसा कि पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो एक बस्ती होती है जो जहाँ पे हाइजीन बिल्कुल नहीं रहता है बहुत ही ज्यादा लोग जो है बहुत ही ज्यादा जो लोग हैं वहाँ पे वो अनह अन्हाँग, अनहाइीनिक सिचुएशन में रहते हैं ठीक है ठीके? तो ऐसे सिचुएशन को यहाँ पे उसमें जो स्कूल होगा वो कैसा होगा वो ऐसा ही होगा ठीक है जो स्कूल वहां होगा वो कैसा होगा ऐसा ही होगा तो इसी चीज को इस पोएम में दिखाया गया है ठीक है तो अभी मैं आपको पोएम आ, का जो थीम है आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट द थीम ऑफ दिस पोएम ठीक है द थीम ऑफ दिस पोएम विच इज वेरी नेसेसरी जो कि बहुत ही जरूरी है आप यू मस्ट यू शुड नो यू मस्ट नो दैट द थीम ऑफ द पोएम जो पोएम का जो थीम है ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए तो हम लोग देखते हैं कि आखिर एक एक करके इसमें क्या दिया हुआ है ठीक है सो एट दिस थीम क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया था वट इज द थीम आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पोएम एक्चुअली जो जो स्टीफन स्पेंडर हैं उनका जो राइटिंग्स uh, हो है वो बेसिकली जो बेसिकली उन्होंने तो और भी डाइवर्स टॉपिक पर लिखा है बट बेसिकली जो उनका थीम है वो सोशल इनजस्टिस को शो करता है इट शोज अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड दिस पोएम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल राइट द डिस्पैरिटी अमंग अस इन द आवर सोसाइटी द डिफ्रेंस राइट बिटवीन द रिच एंड दुअर राइट सो दिस पोएम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स, राइट सो लुक एट दिस इट एक्सपोसेज इट एक्सपोजेज द सोशल इनजस्टिस एंड द इनक्वालिटी प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटीज सबसे पहली बात तो सोशल इनजस्टिस जो है और इनक्वालिटी जो है वो हमारे सोसाइटी में जो उपलब्ध है जो व्याप्त है उसके बारे में ये पोएम है सो ये थीम हुआ ठीक है उसके बाद है इट इज नॉट जस्ट द सोसाइटी ऑफ वन ये बस एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन सोसाइटी एक्चुअली दिस सिचुएशन इज प्रेंट इन एंटायर वर्ल्ड राइट सो और द अदर नेशंस बट इट इज अ ग्लोबल इशू दैट दैट यू नो दिस इज अ ग्लोबल इशू दैट डिस्पैरिटी यू कैन सी आवर लेड ग्रेट लीडर्स राइट दे फाउट They fought their entire life for, for their entire life for to you know to bridge that gap. You know, they fought for this because they were aware of the social injustice because they have experienced themselves right? There were lots of uh, problem they faced during that lifetime and their attempt was to bridge the gap. उनका यही प्रयास था कि ये इस को हटा सके ठीक है बट कुछ कामयाब हुए कुछ हद तक कुछ नहीं भी कामयाब हुए, ठीक है तो यहां पे यही चीज है ये जो पर्सन है स्टीफन स्पेंडर एक तरह से ये खुद भी सोशलिस्ट है सोशलिस्ट ठीक है तो इन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमारे जो रिच वर्ग के लोग हैं जो हमारे सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जो रिच क्लास हैं दे आर वेरी इलाइट पीपुल दे आर राइट दे आर पावरफुल पीपुल दे आर द पीपुल आर हु हैव द अथॉरिटी राइट एंड दे कैन ब्रिंग सम चेंजेस सो दिस पोएम इज एन अटेम्प्ट टू 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 यू नो टू अराइज देयर कंसाइंस कि उनके कंसाइंस को उनकी चेतना को जगाया जाए ठीक है तो ये उन्होंने कहा है इन्होंने दिखाया है इसमें कि कैसे इस एलिमेंट्री स्कूल जो स्लम में है उसका क्या कैसा हालत है ठीक है आगे हम देख रहे हैं कि एक एक्सपोजेस द एड्रेस्ड एंड थ्रू दिस पोएम यू नो ही इज व्हाट? इट इज नॉट जस्ट द सोसाइटी ऑफ वन और द अदर नेशन बट इट इज अ ग्लोबल इशू दैट पोएट हैज़ एड्रेस्ड थ्रू दिस पोएम कि पोइट ने इस पोएम के माध्यम से पूरे हमारी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जो इश्यू है इश्यूज़ है उसको डील किया है ठीक है उसको बताया है उसको एड्रेस किया है ठीक है द पोइट एम्स टू पोर्ट्रेट द कंडीशन ऑफ द यंगस्टर्स जो यंगस्टर्स होते हैं जो युवा वर्ग होते हैं राइट यंगस्टर्स ठीक है right? कहने मतलब है कि जो जो slum में रह रहे हैं और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद ही एक तरह के बायस्ड है प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा क्या है खामिया जिसमें ठीक है जिसमें जिस बहुत सारा कमियां है ठीक है उस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है ठीक है हम देख रहे हैं कि इस,

इट ऑल्सो हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द आउटर ग्लोरियस वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ द टेम्पटेशन एंड द लाइफ ऑफ द अंडर प्रिवलेज ऑफ द लाइफ ऑफ द अंडर मैंने फिर इसे कहा अंडर प्रिविलेज किसे कहते हैं जिन बच्चों को प्रॉपरली अधिकार नहीं दिया गया है उनको बहुत सारी चीजों से वंचित रखा गया है बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास राइट right. तो यही चीज यहाँ पे अंडर प्रिवलिज चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम आर सिटिंग इन द ग्लूमी क्लास रूम दैट ग्लूमी का मतलब होता है डार्क तो जो डार्क क्लास रूम में बैठे हैं दे आर सिटिंग इन द डार्क क्लास रूम एंड आर डिवाइड ऑफ लॉट्स ऑफ यू नो एम्यूनिटीज दे लैक लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज दे हैपन टू बी देपन टू बी पुअर राइट दे बिलोंग टू अर फैमिली सो यू कैन सी दिस पोएल नीड टू थिंक राइट सो लुक एट दिस वन बाई वन एक लाइन में आपको पोएम को डिस्क्राइब करूंगा सो यू विल सी नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टेक्सट ऑफ द पोएम ठीक है सो बेसिकली हमने क्या देखा मैंने जो बताया इसका थीम ये है कि एक मोटा मोटी तौर पे अगर हम ले लें तो इसका जो एक थीम है ये ये कि ये टोटल मतलब हमारे क्लास uh, हमारे सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है जो असमानता है उस चीज को ये पोएम दिखा रहा है ठीक है तो हम एक बार में बोल सकते हैं इन इन अ वेरी बहुत ही संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम का जो थीम है तो थीम ऑफ दिस पोएम इज व्हाट दैट डिस्पैरिटी असमानता ठीक है और ये कोई एक सोसाइटी में नहीं है हम जहाँ भी जाएंगे दुनिया में हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलता है तो पोएट ने स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के माध्यम से इस डिस्पैरिटी की बात की है ठीक है असमानता की बात की और उन्होंने दिखाया है कि जो स्लम के जो बच्चे होते हैं उन उनको कैसे कैसे जिंदगी बिताना पड़ता है कितना अभावग्रस्त उनका ज़िंदगी होता है ही हैज़ ट्राइड टू अस विद दिस पोएम सो लेट अस कंटिन्यू एंड विल सी वट इज मोर इन द पोए ओके सो लेट्स स्टार्टअप तो यहां पर जो है पोएम कह रहा है लाइक रूटलेस वीड्स ठीक है द हेयर टॉन अराउंड दियर पैलर नाउ In these two lines, what the narrator, what the poet says, he says what that far, far from gusty waves. Now, gusty waves here means what? Gusty ka is strong. So you can see because I'll write the meaning of the words, which will help you to understand the poem in a better way. So you can see far, far from gusty waves. What the uh, in the what is said in this line that there are you know there there are people who are living in a very developed area. Right, they're they are living in a very developed area in a POS society, right, where all the facilities are there. But these children's, these children's are somewhere else. These children's are unwanted children's, right? There, they, you know, these children's face looks like rootless weeds. Now, weeds means what? Unwanted plants. You can see here, root -led weeds. रूटलेस का मतलब आप समझ में आया आपको कि जिसके जड़ नहीं हो अगर किसी को जड़ से अगर किसी पौधे को आप जड़ से उखाड़ देते हो तो वट डू सी कि थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है ड्राई हो जाता है ठीक है वो मुरझा जाता है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लाइक रूटलेस वीड्स जो इन बच्चों का जो चेहरा लग रहा है वो विदाउट एनर्जी लग रहा है बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं है बिल्कुल मुरझाया हुआ है ठीक है और इन लोगों का जो सोसाइटी है वो बहुत दूर है बहुत दूर है जो मेन स्ट्रीम पीपल जो लोग रहते हैं जो रिच या फिर दब, जो डेवलप्ड पीपल हैं वो उनसे काफी दूरी बनाए हुआ है एंड दे हैव ए सेपरेट व्हाट दे हैव ए सेपरेट उनका एक सेपरेट बस्ती है दे हैव ए सेपरेट सोसाइटी राइट देर द चिल्ड्रन दिस चिल्ड्रन आर लिविंग एंड दे आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड देयर फेस लुक लुक्स लाइक व्हाट रूटलेस वीड्स दैट मींस अनवांटेड अनवॉन्टेड प्लांट ठीक है उनका जो चेहरे का जो हेयर है ठीक है uh, बाल जो है उनके वो उनके माथे पे है यानी कि उनके फोर हेड पे है पैलर का मतलब होता है फोर हेड ठीक है फोर सो यू कैन सी उनका जो पैलर है उनका जो हेयर हेयर है वो उनके सर पे है यानी कि उनके बालों में ठीक से कंघी नहीं किया हुआ है दे आर अनकेम्प्ड पीपल राइट सो यू कैन सी इन दीज टू लाइन्स हमने क्या देखें कि कुछ बच्चे जो हैं वो शहरों से दूर किसी स्कूल में हैं यानी कि स्लम में एक स्लम में हैं और उनका जो चेहरा है वो रूटलेस वीड्स की तरह है यानी कि उसमें कुछ एनर्जी नहीं है उदास है सैड हैं फेडेड हैं ठीक है ये उनका चेहरा है उनके जो बाल हैं वो उनके हेड माथे पर है ठीक है तो एक तरह से उनको आप देख सकते हो ये बच्चे देखो आप इस बच्चे को देख के अनुमान लगा सकते हो और इसके तरह से और भी बच्चे हैं यू कैन सी देयर फेसेस राइट दे दे डू डू नॉट नॉट लुक लुक हैप्पी एनर्जेटिक राइट सो दिस इज व्हाट द द लेसन सेज टॉल गर्ल विथ हर उसके बाद तीसरे लाइन से क्या है द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड ठीक है द पेपर स्विमिंग बॉय ये देखो पेपर स्वीमिंग बॉय यानी कि एक ऐसा लड़का है जो पेपर सीमिंग यानी कि बहुत ही दुबला पतला है पेपर सीमिंग पेपर जैसा लग रहा है वो पतला लग रहा है बहुत विथ रैट्स आइज उसकी आंखें रैट्स रैट्स जैसी हैं यानी कि चूहे जैसी हैं सो so, यहाँ पे क्या कह रहा है द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स विथ रैट्स आइज द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स नार्ल्ड डिजीजेस कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि एक लड़की भी है इन दैट क्लास रूम देर इज अ गर्ल ऑल्सो राइट हर हेड सीम्स वेरी राइट सी इज है एंड इज वाई देर आर बर्डन फैमिली ऑफ हाउस होल्ड प्रेसर्स आर देयर विच इज ऑन दैट गर्ल एंड इज वाई हर हेड लुक्स वेरी हैवी सी इज नॉट एबल टू Cop up with the situation. Right. So you can see that her the tall girl with her weight down head. So her head is very heavy, and that is why she is bending it. Right. Because of some what? Some mental pressure is also there. Right. Family pressure is also there. Right. And you know, she seems very uh, malnourished. So because of that, she had, you know, kept her head down. Out of shame, also, because she cannot want to see herself. She does not want to see herself. She does not want to see herself in that condition. Right. That is why her head is wet down. The paper seeming boy with a rat's eye, the stunted, unlucky hair of twisted bones. You can see here. Narrator sees here what that the boys, those who are sitting and reading uh, the lessons, they you know. They, have, they are suffering from diseases, right? Stunted, unlucky hairs. They are unfortunate boys and girls, right? Of twisted bones, their bone is twisted because they are malnourished. I have told you. They are malnourished, reciting a father's gnarl disease. No, they are not reciting the lessons. Rather, what they are reciting the diseases that they have got, that they have got from their parents. यानी कि उनके मम्मी पापा से उनको एक डिजीज मिल गया है उनको जो है और कुछ नहीं मिला है बस एक डिजीज मिल गया है ठीक है जिसको वो ढो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोपरली फेड उनको प्रॉपरली खिलाया नहीं जाता है उनको प्रॉपरली खिलाया नहीं गया है उनको प्रॉपरली इनको टेक केयर नहीं किया गया है और जब छोटे बच्चे को छोटे में देखभाल ठीक से नहीं किया जाता है तो उनमें कई बीमारियाँ हो जाती हैं एंड दैट इज द रीज़न दे आर रिसाइटिंग दैट नार्ल डिजीज नार्ल का मतलब क्या होता है नॉटी के एन ओ डबल टी यानी कि अगर कहीं किसी के हड्डी में ट्विस्टेड हो ये यू नो दे बोन इज बेंड राइट दैट काइंड ऑफ डिजीज दे आर हैविंग तो ये चीज इससे बोला गया है फिर यहां पे क्या है पे ये lessons तो बोला जा रहा है लेकिन रिसाइट करने में मन किसका लगेगा राइट right? सो so, आप देख सकते हो कि ऑल दो देख बट दे आर मोर देन देसन वेटिंग दे आर रिसाइटिंग दे आर रिसाइटिंग देर फादर्स डिजीज मतलब उनके उनके पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स का जो है ना डिजीज दे आर रिसाइटिंग इट आर यू आर यू गेटिंग वट आई ट्राई टू टेल यू राइट they are not reciting the lessons effectively rather they are reciting those diseases which they have got from their parents right then what is next said from his desk and at the back of the dim class one unnoted sweet and young his eyes live in a dream of a squirrel's game in the tree room other than this now there is also a boy who is who, who was sitting at the back of the glass, right? his concentration is not there in the study. His concentration is not in the classroom. The boy is looking outside, right? Because he can see outside that there is a squirrel, right, a squirrel, and he enjoys the classroom activity does not interest him, right. He is interesting outside whatever he see uh, out of the window, he can see there is a tree and there is a squirrel in it, a squirrel and he just wanted to look that right so you can see that this boy seems a little bit hopeful right and he just want to go outside of the classroom to enjoy that game he does not want to stay because nothing is interesting in the classroom okay so we have finished here this uh, explanation of first stanza now we are proceeding to ne next stanza okay so, look at this. So, now let's begin. The, uh, I'm going to explain you the next Sanja. You can see what is here. On sore cream walls, donations, Shakespeare's head, right? Cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt of flory, Tyrolese valley, open handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with the lead sky, far from the rivers, capes, and stars of words. Now look at this, this stanza is even beautifully written. What he says, that on the sour cream walls, now where sour cream walls means what? The walls are not properly maintained, it is not properly built, right? It is shabby, it is dirty.

डोनेशंस लगे हुए हैं गिफ्ट्स लगे हैं लोगों ने जो आके डोनेशंस दिए हैं यू नो सम लीडर्स केम दे विजिट द स्कूल एंड दे डू डू नॉट एनीथिंग फॉर द स्कूल राइट दे डू डू नॉट एनीथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन व्हाट दे डू दे जस्ट पुट अ पिक्चर ओवर देयर राइट सो दिस पिक्चर इज व्हाट देयर इज देयर द शेक्सपियरस हेड इज देयर यू ऑल नो शेक्सपियर शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम Right, so he is a literary figure. Here you can see a symbol of knowledge you can see, and you can see that these children are not given any knowledge. How can one take the knowledge in this situation? How can you get the knowledge? It is not possible, right. So you can see uh, the Shakespeare's head cloudless at dawn, cloudless. all these things are kind of a joke, you can see. राइट क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डॉम्स ऑल दीज आर दाइन्सिलाइज डॉम का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए ये सिविलाइज डॉम है आप जो ये देख रहे हो ना आप देख रहे हो कितने कि अच्छे सब कुछ यहाँ पे क्लीन है बिल्डिंग है ये डेवलपमेंट का प्रतीक है ऑल दीज आर दट सिम्बॉल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल दीज आर क्लाउडलेस डॉन यहाँ पे आप देखिए ये पूरा क्लाउडलेस डॉन है सुबह का सुबह का टाइम है ठीक है क्लाउडलेस है कहीं भी बादल नहीं है ठीक है लेकिन इन बच्चों के करियर के ऊपर फ्यूचर के ऊपर पूरा बादल छाया हुआ है सो so, आप कैसे देख सकते हो कि इस पोयम में कितने अच्छे से सार्काज्म किया गया है कितने अच्छे से इसको आ, नरेटर पोएट ने बताया है? कह रहा है क्या कि क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज पूरे सिटीज पे ये जो है डोम्स हैं ये हर एक जगह छाए हुए हैं ठीक है जो कि प्रगति के प्रगति के जो आर, जो कि प्रगति के, प्रती के प्रतीक हैं

पूरा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिख रहा है ठीक है so, सो यहाँ पे फिर देखो वैली बेल्ड फ्लावर इतना ही नहीं बेल्ड फ्लावर टैरोलीज वैली यहां पे ये वैली की बात बताई गई है ऑस्ट्रेलिया की बात है ये ऑस्ट्रेलिया में ये तो ये पूरा वैली ये है कि ये पूरा फूल यहाँ पे खिले हुए हैं फूल का खिलना किस चीज का प्रतीक होता है इट्स अ सिम्बॉल ऑफ ब्यूटी इट्स अ सिंबॉल ऑफ वॉट फ्रेशनेस राइट इट्स अ सिम्बॉल ऑफ वॉट स सो यू कैन सी दैट ये इन बच्चों में ये सब चीज है ही नहीं इन बच्चे की दुनिया में ये सब कुछ भी नहीं है जो भी फोटो में दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है इन इसके क्लासरूम में ना इनके लाइफ में ठीक है एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडो नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड नेटर कह रहा है कि इन बच्चों के लिए ना तो ये ना तो ये जो मैप है ठीक है जो है जो मैप वहां, उस क्लासरूम में मैप भी लगा हुआ है जो पूरे दुनिया का वर्णन कर रहा है पूरे दुनिया को वो दिखा रहा है और उस दुनिया में इनका भी दुनिया है उसको नहीं दिखा रहा है ठीक है उस दुनिया में इनका भी दुनिया है उस दिन वो दुनिया बहुत खराब दुनिया है बिकॉज इनका प्रोग्रेस जो है वो वहां स्टंटेड हो गया हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि देयर लाइफ हैज बिन स्टंटेड ग्रोथ नहीं हुआ है उनका प्रॉपर्ली ठीक है तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग उनके जो फ्यूचर है उनको पेंट कर दिया गया है फॉग से फॉग कैसे होता है आप फॉग के थ्रू कुछ भी देख नहीं सकते हो पूरा धुंधला आपको दिखाई देता है सो व्हाट द नैरेटर द पोइट इज सेइंग ही इज सेइंग दैट देयर फ्यूचर इज टोटली फॉगी इट इज नॉट इट इज नॉट क्लियर राइट देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्शन

ठीक है पूरा अंधकार है ब्लड पूरा अंधकार है एवरीवेयर इज वॉट डार्क सो यू कैन सी फार फार फ्रॉम रिवर्स जो रिवर से बहुत दूर है रिवर क्या होता है रिवर गिव्स पॉजिटिविटी राइट इट इट वाटर फ्लोज एंड अस दैट वन शुड गो ऑन वॉकिंग बट हेयर दे कैनॉट वाई दे कैनोट बिकॉज देयर फ्यूचर इज वॉट इज डार्क right, they do not find any proper direction. so you can see river, capes, and stars of words. all these are presenting contrast. Who contrast the in river, ke jasa, in capes, ke jasa, in stars, ke jasa, in ki nahi hai, their world is very dark because there is no one who can look after them. no infrastructure is there in the slum, right? their houses are not good, their streets are not good, their schools are not good. and so there is, uh, there is lack of even the basic infrastructure. ठीक है तो ये सारी चीज का अभाव इनके लाइफ में है राइट जो इनके लाइफ को क्या कर रहा है कि बहुत ही ग्लूमी बना रहा है हमने देखा था कि वर्ड था जिसका मतलब क्या था अंधकार तो पूरी दुनिया को क्या कर इनके पूरे लाइफ को क्या कर रहा है एक अंधकार में बना रहा है ठीक है तो हमने ये सेकेंड का भी हमने देख लिया है ठीक है अब हम लोग थर्ड स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं देखिए अब थर्ड स्टैंडा में क्या बोला गया लुक एट दिस कह रहा है क्या श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड इनको शेक्सपियर विक्ड लग रहा है इनके लिए शेक्सपियर विक्ड है व्हाई बिकॉज शेक्सपियर जो है वो नॉलेज का प्रतीक है द पिक्चर दैट यू सॉ विच वॉज विच वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ दैट क्लास राइट एक्चुअली वॉट

उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं जो वर्ल्ड जो वो मैप है जो पिक्चर है उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं सिप दिखाया गया है सन दिखाया गया है लव दिखाया गया है यू नो एवरीथिंग वाज देयर राइट टेम्पिंग और ये इन बच्चों को ना चोरी करने के लिए उकसा रहा है नाइटर कह रहा है कि इन बच्चों को क्या कर रहा है चोरी करने के लिए उकसा रहा है यानी कि दैट पिक्चर दैट एवरी ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स आर इंस्टिगेटिंग क्या होता है ना कोई भी क्राइम जब होता है हमारे सोसाइटी में इज इज बिकॉज ऑफ द डिस्पैरिटी राइट यू कैन सी दैट सम पीपुल ऑन सर लॉट ऑफ वेल्थ वेर एज अनदर पीपुल देव इवन दू नो वोट द लिटल अमाउंट राइट इवन द लिटिल मनी टू सर्वाइव देमसे वट है द पर्सन दोज हुव एनी थिंग वॉन्ट्स टू स्टिल राइट ये चीज होता है दिस हैपन्स ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे ये यह क्या है कि ये जो शेक्सपियर है ये इनको विद्ड लग रहा है विद्ड लग रहा है यानी कि दुष्ट लग रहा है बुरा लग रहा है उनको ठीक है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन बच्चों को जो अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखे थे ये इन बच्चों को क्या करा है कि एक स्टील करने के लिए उकसा रहा है ठीक है क्योंकि उनकी जो जिंदगी है वो ठीक इनका अपोजिट है उनकी जिंदगी जो है वो कमियों से भरा है दे आर डिप्राइब चिल्ड्रेन फॉर लाइव दैट स्लाइली टर्न इन टू देर क्रैम्प्ड होल्स इनके जो घर हैं वो भी क्रैम्प होल की तरह हैं बिल्कुल कंजस्टेड हैं ठीक है थेके? ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि घर है और इनकी जो जिंदगी है उसी क्रैम्प होल में सिमट के रह जाती है सीक्रेटली स्लाइली ठीक है सीमट के रह जाती है फिर इस लाइन में क्या बोला गया है फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट ठीक है और फॉग से फॉग हमने पहले ही बताया था कि फॉग का इसमें चर्चा किया गया है पोएम में जिसका जो फॉग से के थ्रू आप देख नहीं सकते हो क्लियर तो वो क्या है कि ये बताया जा रहा है कि इनका जो फ्यूचर है वो अनक्लियर है इज मिस्टेड ठीक है और फिर यहाँ पे कह रहा है कि इंडनेस यानी कि फ्लॉग से फॉग से इंडलेस नाइट में ये क्या हो गया है परिणीति मतलब चेंज हो गया है ठीक है फिर यहां है एंड ऑन दियर स्लैग हीप चिल्ड्रंस वी एयर स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ लाइक बोटल बिट्स एंड स्टोन ठीक है उन वो इतने पतले हैं दीज चिल्ड्रेन्स आर सो मॉल नरेस्ट यू कैन सी दैट यू नो वी स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स उनके हड्डियां जो है ठीक है ना वो झांक रही है वो बाहर दिखाई दे रही है इतने पतले हैं दे आर सो मलन दे आर सो थिन दैट यू कैन काउंट एवरी बोन्स ऑफ देयर ऑफ हिज ऑफ दीज चिल्ड्रंस बॉडी इन बच्चों जो के जो शरीर है उनके शरीर के हर एक हड्डियाँ को आप गिन सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोपरली फेड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी राइट सो स्किन हैिप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स स्टील मेंडेड और उन्होंने जो ग्लास पहने हैं जो चश्मे पहने हैं उनके जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं यानी तो मरम्मत किए हुए मेंडेड हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोल जैसे कि और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी आप बोटल बिट्स को बोटल के टुकड़े को ठीक है किसी स्टोन पर फिर तोड़ तोड़ देते हो तो वो बिखरे हुए नजर आते हैं राइट right. सो so, उसी तरीके से इनके जो हैं वो मेंटेड ग्लासेस हैं दैट ग्लासेस आर आल्सो मेंटेड राइट राइट सो यू कैन सी ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम उनका जो पूरा समय होता है उनका जो पूरा लाइफ है उसी फॉगी स्लम में बीत जाता है ठीक है वही उनकी जिंदगी है वही कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ ठीक है तो वही उनका जो है वो पूरा स्पेस है पूरा वही उनका समय है टाइम जो है पूरा वहीं का वहीं जाता है ठीक है सो ब्लॉट देयर मैप्स विद द स्लम्स एज बिग एज डूम ठीक है फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ द स्लम एज बिग एज डूम डूम का मतलब मैंने बताया था अंधकार ठीक है ग्लूमी का मतलब भी अंधकार होता है डूम का मतलब मृत्यु से होता है और अंधकार से होता है ठीक है तो यहां पर जो कह रहे हैं वॉट द मैप इज सोइंग इज नॉट अ रियलिटी because in the map their slum is not represented right so narrator is saying that you have to show them the reality the reality is the slum is their reality you have to tell them that your situation you are living in this slum right and until something is done your life cannot be changed so the narrator is actually here he is becoming indignant he is saying what that you have to you have to the map should show the map should show what the the fact the truth right that there is the existence of the slum it should be shown right so this is what the narrator says here look at this now this is uh, that was the end of the this is stanza and now we are going to move on the next stanza what is being said here unless governor inspector visitor this map becomes their window and these windows that set upon their lives like catacombs right break or oh break open till they break the town and sow the children to green field and make their world run azure on gold sands and let their tongue run naked into the books the white and the green leaves open history there's whose language is the sun look at this now here the poet come up with the solutions what he says in this uh, in this uh, stanza he says here that you know unless governor these are the influential people who have some authority and they can definitely do something for the underprivileged people right so here you can see the governor inspector and visitor those visitor here the people who used to go there to the slum and inspector we all know that governor so these are the influential people the narrator is actually, the speaker is actually telling them to to do something for the society right this map becomes their window and these windows that set upon their lives like catacombs catacombs means what where dead bodies are kept right catacombs okay सो यू कैन सी कि कह रहे हैं नरेटर यहां पे कह रहा है कि भाई आप लोग कुछ करिए जब तक कि इनकी जो पूरी दुनिया है कहीं कब्र ना बन जाए इनकी जो पूरा लाइफ है फ्यूचर है एक कब्र की तरह ना बन जाए ठीक है जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है कहीं वैसा ना बन जाए तो आप इन लोगों के लाइफ के लिए कुछ करिए आप लोग कुछ करिए प्लीज डू समथिंग ओ ब्रेक एंड ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द द टाउन कि जब कि कहीं उन लोगों से कुछ क्राइम ना हो जाए वो लोग कुछ ऐसा कर ना दें कहीं उनका जो ऐसी लाइफ तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा तो कहीं वो इस लाइफ में कुछ ऐसा ना कर दें आप लोग इनके इनके लिए लाइफ को अच्छा बनाइए प्लीज़ मेक देयर लाइफ हैप्पियर ठीक है उन, उनके लिए कुछ कीजिए सो दैट देयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल कि उनका भी डेवलपमेंट हो सके उनका भी डेवलपमेंट संभव हो सके ठीक है ये यहाँ पे नरेटर जो है जो पोएट uh, है जो स्पीकर है वो कह रहा है ठीक है एंड सो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड उन बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाइए ग्रीन फील्ड से मतलब है कि इनको इनके लाइफ को आप सुंदर बनाइए मेक एकदम ब्यूटिफुल ठीक है कब होगा जब हमको सब कुछ का अधिकार देंगे उनको एजुकेशन का हेल्थ का और जो हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे उन तक हम सभी सुविधाएं पहुंचाएंगे, ठीक है जब उन, हम उनका देख रेख करेंगे टेक केयर करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे जो है पोइट बोल रहा है ठीक है सो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड एंड मेक दियर वर्ल्ड रन अर और उनका जो दुनिया है उनको आप विविडली उनको जो उनका जो दुनिया है उसको आप अच्छा कीजिए ठीक है यहाँ पे ये पूरा बात ये कह रहे हैं यहाँ पे कि रन अ ऑन गोल्ड सैंड यानी कि गोल्ड सैंड जो यहाँ पे है ये जो आप देख रहे हो ये सब ये यहाँ पे जो ये एनाफोरा यूज किया गया है तो हम इस फिगर ऑफ स्पीच की भी बात करेंगे तो रन ए ऑन गोल्ड सैंड कि एक सुनहले बालू पे जैसे नीला आसमान ऊपर से छाया रहता है और बालू सुनहला रहता है तो कह रहा है कि उनके लाइफ को आप बहुत ही क्लियर बनाइए स्पष्ट बनाइए और वो कब हो सकता है तो जब उनको हम देख रेख करेंगे ठीक है क्योंकि वो लोग अंडर उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं और वो बहुत ही पॉवर्टी सही रहेगा और वो पढ़ सकते हैं तब तब उनमें इंटरेस्ट आएगा कुछ करने का अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव स्टेप अपने लाइफ में नहीं ले सकते दे कैनोटेक स्टेप इन देर लाइफ ठीक है वही लोग बना पाते हैं। जिनका जो लैंग्वेज है ठीक है सूरज से मतलब यहाँ पे है कि ग्लोरी जिनके लाइफ में ग्लोरी होता है शान होता है शौकत होता है वही कुछ हिस्ट्री कर पाता है जो कि अपने दैनिक जीवन से ही परेशान है जो की अपनी डेली लाइफ से ही परेशान है वट ही कैन डू ही के नॉट डू एनीथिंग ही कैनोट डू एनी क्रिएटिविटी ठीक है ही कैनॉट बिल्ड द सोसाइटी ही कैनॉट बिल्ड अ नेशन तो यहाँ पे ये चीज है कि इन लोगों के तरफ ध्यान देने के लिए हमारा जो पोइट है वो कह रहे हैं ठीक है स्टीफन स्पेंडर उसके बाद हम आते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस पोएम में आपने देखा होगा कि इस पोएम में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बहुत सारे वर्ड्स का कंटेक्सुअल मीनिंग होता है ठीक है टेक्स्ट के अनुसार हम मीनिंग लगा के बोलते हैं ठीक है अब हम देख रहे हैं कि कुछ इसके जो जैसे मैंने बताया था गस्टी का मतलब क्या होता है स्टॉर्मी स्ट्रॉन्ग से मतलब है स्टॉर्मी वेव्स ऑफ दी नेक्स्ट देख रहे हैं हम वीड्स वीड्स का मतलब वाइल्ड प्लांट्स होता है वीड्स यहाँ पे अनवॉन्टेड प्लांट्स की तरह भी है एंड देन पेलर पेल एंड पेल एंड पैलर का मतलब पेल एंड विदर्ड सूखा हुआ पैलर पैलर फीस ठीक है अब यहाँ पे है नार्ड यानी ट्विस्टेड जो ट्विस्टेड होता है नार्ड डिजीज ठीक है जो बोन ट्विस्टेड रहेंगे उनको फिर अनोटेड दैट मीन्स अनोटिस्ड जिसको कोई देख नहीं रहा है अनोटिस्ड है वो ठीक है फिर डोम अ लार्ज ये डोम का मतलब मकवरा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लार्ज ठीक है राउंडेड रूफ सीलिंग दैट इज सेब्ड लाइक

जेटिंग आउट इंटू वॉटर एज द पेनेंसूला और एज प्रोजेक्शन यहां पर मीनिंग दिए हुए सिंपली जो कोई टापू होता है इसको हम समझ सकते हैं इतना बड़ा मीनिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब आगे देखिए क्रैम्ड वेरी नैरोटली स्लैग रिफ्यूज अनवॉन्टेड मटेरियल जो होता है ड्रॉस ब्लॉट एबॉलिस और डिस्ट्रॉय कहते हैं एबॉलिस करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए ठीक है डूम डेथ ruin very bad event situation that can be avoided doom जिसको मैंने पहले ही बताया था कैटाकॉम्स का मैंने पहले ही बता दिया था आपको कब्र से इसका मतलब है यहाँ पे एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर पीपल आरBuried बिल्कुल ठीक है आगे देखिए azure the blue color of the clearest sky ठीक है अब हम आते हैं इसके कुछ फिगर ऑफ स्पीच पे व्हिच इज वेरी नेसेसरी राइट अब देखिए इसके फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस ठीक है इस पोयम में जो जो यूज हुआ है ठीक है आप देख रहे हो रेपिटिशन ठीक है रेपिटिशन का मतलब जब किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है पोएम में इम्पैक्ट के लिए ठीक है तो ये फार फार रिपीट किया गया था आपको याद हो पहले स्टांजा में पहला ही दो वर्ड है जिसको फार फार से रिपीट किया गया है ठीक है तो आपको बस समझना है ठीक है पूरा का पूरा डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है आप एक बार अगर समझ जाते हो कि ये फार जो है ये क्यों है और इसका क्या यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इट्स इट इज़ वेरी इजी रट्टा मारने में मैं विश्वास नहीं रखता मैं चाहता हूं कि आप इसको समझिए ठीक है तो फार फार आपने दिखा होगा जैसे ही लाइन फार फार फ्रॉम द गस्टी वेब्स ऐसा लिखा है तो ये वहां पर रेपिटेशन यूज है कोई भी वर्ड कोई भी लाइन अगर बार बार रिपीट है तो उसको रेपिटेशन हम लोग बोलेंगे ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ठीक है सिमली लाइक रूटलेट्स वीड्स इसमें सिम्बली कई बार यूज किया गया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है बाकी एग्जाम्पल आप ढूंढ के निकाल सकते हो यू वाइज इनफ ठीक है उसके बाद एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप देख रहे हो कि कोई भी वर्ड जो शुरू होता है तो वो कॉन्सोनेंट से अगर शुरू है और बाकी उसी के जैसे वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है तो दैट इज़ एलिट्रेशन ठीक है द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इसको बोला जाता है सो यू कैन सी सिर्फ एंड सन स्पेक्टिकल्स स्टील बॉटल्स बिट्स बहुत सारे इसमें एलिट्रेशन है इस पोएम में यू कैन ईजिली फाइंड आउट ठीक है तो एलिट्रेशन वो इमेजरी ये यहाँ पे विजुअल जिसको हम अपने सेंसेस से पहचानते हैं जो हम जो कोई भी वर्ड अगर हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर रहा है कहा उस पिक्चर के माध्यम से कुछ और चीज बोला जा रहा है तो उसको हम इमेजरी बोलते हैं ठीक है सो आप देख रहे हो ये जो बेल्ड फ्लोर टेरोलीज वैली रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके इमे, इमेजरी के क्योंकि इमेजरी के थ्रू पोइट क्या कहना चाह रहा है कि वो एक एग्जाम्पल तो वो किसी और चीज़ का दे रहा है लेकिन उसके माध्यम से कुछ और चीज़ कहना चाह रहा है ठीक है एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर रहा है आपको इनडायरेक्टली चीजों को समझाने के लिए कि उसका इशारा कहाँ है ठीक है तो ये चीज़ हुआ उसके बाद यहाँ पे क्या है मेटाफोर ये कंपेरिजन है डायरेक्ट कम्पेरिजन है यहाँ पे देख रहे हो पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज बच्चे का जो रैट्स आइज है आपने देखा होगा रैट्स को हमेशा रैट्स कुछ ना कुछ खाने की तलाश में या कुछ ना कुछ चीज़ों की तलाश में रहता है और उसकी आंखें कहीं भी शांत नहीं रहती हैं वो इधर से उधर इधर से उधर घूमता रहता है इसका क्या मतलब हुआ कि द बॉय हु वॉज सिटिंग इन दैट क्लास रूम यू नो हीज अटेंशन इज नॉट एट द स्टडी विच इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास जो क्लास में स्टडी चल रहा है उसकी तरफ नहीं है रादर बिकॉज नथिंग इज़ इंटरेस्टिंग हैपनिंग देयर ठीक है तो वो जो है वो बाहर देख रहा है और उसके जीवन में बहुत सारी कमियाँ हैं देर इज़ लॉट ऑफ वॉन्ट्स इन हिज लाइफ राइट right. तो उन कमियों को पूरा करना चाह रहा है तो इधर उधर वो देख रहा है ठीक है तो ये यहाँ पे जो है ये जो विथ रैट्स आइज जो है और ये जो पीपर सीमिंग बॉय है ये एक मेटाफोर है विच इज द कंपेरिजन उस लड़के की स्थिति को बोला गया है और पेपर को कंपेरिजन किया गया है बॉय से यानी कि वो बहुत पतला लग रहा है ठीक है ये लुक्स वेरी थिन मल न्यूट्री यू नो ही सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिएशन ठीक है तो ये चीज़

एनाफोरा ठीक है थीके? तो ये एनाफोरा है यहाँ पे, ठीक है हम लोगों ने लगभग जितने भी इसके लिट्रेरी डिवाइसिस थे उसको कवर कर लिए हैं ठीक है आप लोग और भी एग्जाम्पल इसमें से ढूंढ सकते हो आप एलिट्रेशन के सिमली के इमेजरी के और ये जो मेटाफोर है इसके और एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो रेपिटेशन और एनाफोरा के आपको जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं सिर्फ वही आपको मिलेंगे बाकी ये जो फिगर ऑफ स्पीचेस बीच में है इसके और एग्जाम्पल आप पोएम से ढूंढ सकते हो क्योंकि पोएम बड़ा है आप देख ही चुके हो ठीक है उसके बाद से मुझे लगता है कि इस मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया है एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव इन्जॉयड इट यू मस्ट हैव इट एंड आई फील दैट यू डेफिनेटली हैव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट सो व्हाट आई से that you know you just read the poem and try try to you know try to understand it in a better way right so that's all for this class thank you and have a nice day thank you